जसपुर जिले के पलथल गांव में महंगी बाइक हथियाने की खातिर एक युवक की उसके ही दोस्तों ने शराब की पार्टी के दौरान गला दबाकर हत्या कर डाली। इकबाल नामक मृतक युवक के अचानक से गायब हो जाने पर उसके परिजनों ने 17 जुलाई को पलथल गांव थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इस हत्या की वारदात के बाद दो आरोपियों ने लाश को बाइक में बैठाया और मेन पार्ट की तराई से जंगल ले जाकर फेंका है। हत्या के मामले पर पर्दा डालने के लिए 3 दिन बाद इन आरोपियों ने जंगल में पड़ी लाश पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी, लेकिन मृतक की महंगी बाइक से इस जघन्य अपराध का खुलासा हो गया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविशंकर ने आज बताया कि गुमशुदगी दर्ज करने के बाद पुलिस की टीम ने सघन खोजबीन शुरू कर दी थी। इसके तहत मृतक की महंगी का सुराग हाथ लग जाने से हत्याकांड के सभी 10 आरोपियों का खुलासा हो गया। इस जघन्य हत्या के मामले में 6 नाबालिग और 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी की भी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। तो इसमें 6 नाबालिग भी हैं। इसका सबसे दुखद पहलू ये है कि नाबालिग लड़कों ने भी इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। पत्थल गांव की पूरी टीम लगातार 48 घंटे बगैर रुके बगैर आराम किए इन पूरे चीज़ों की तस्दीक करती गई। जो जो आरोपी थे उन लोगों को अपनी हिरासत में लिया और घटनाक्रम में शामिल समस्त लोगों को अरेस्ट किया। तो मैं पूरी पत्थल गांव के सब डिवीज़न अधिकारी मयंक, थाना प्रभारी मल्लिका और पूरी टीम को, जिन्होंने लगातार मेहनत करके इस प्रकरण में मृतक की तस्दीक की, शव बरामद किया और उसके बाद में सारे आरोपियों को गिरफ्तार किया, इसके लिए मैं इनकी प्रशंसा करता हूँ, बधाई देता हूँ। थाना पत्थल गांव, जिला जशपुर के ग्राम कोलडोड़ी का रहने वाला इकबाल यादव, 23 वर्ष का लड़का, जो पेशे से इलेक्ट्रीशियन था और इलेक्ट्रीशियन के साथ साथ फ़ोटोग्राफी का भी शौक रखता था और एक अच्छी लाइफस्टाइल जीता था, सकारात्मक विचार का था। उसके पास में एक अच्छी KTM बाइक भी थी और जो उसने पिछले साल ही ख़रीदा था। उसके कुछ साथी संतोष यादव, विनय भगत, नितिन, ये उसके साथी, इन लोगों को उसके देश से ईर्ष्या होती थी और उन्होंने इस ईर्ष्या के कारण और उस बाइक को उससे हथियाने के लिए एक योजना बनाई। इकबाल यादव 9 तारीख को अपने पेरेंट्स के साथ में रथ यात्रा में गया और रथ यात्रा से उसके पेरेंट्स वापस उसके गांव आ गए और जब 17 तारीख तक वापस नहीं आए तो उसके पिता ने 17 तारीख को थाने में आकर एक शिकायत लिखाई कि उनका बेटा इकबाल अभी तक घर नहीं लौटा है। उसके पिता ने उसके रिश्तेदारों, गांव में तमाम लोगों से पूछने की कोशिश की उसका पता, लेकिन वो कहीं मिला नहीं। पुलिस को सूचना मिलने के बाद में उसके गांव और आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ शुरू हुई। 22 तारीख को ये जानकारी आई कि उसकी बाइक को नितिन बखला के साथ में देखा गया, तो उसकी सूचना तत्काल थाने में दी गई और थाने के लोग, थाना प्रभारी मल्लिका, उसकी टीम उस स्थान की ओर रवाना हुई और सबसे पहले नितिन को अपनी कस्टडी में लिया गया, पूछताछ की गई। पूछताछ में नितिन ने बताया कि इन लोगों ने उसके साथियों के साथ में इकबाल को मारने की योजना बनाई थी और उन लोगों ने उसको साथ में बैठ के शराब पिया, उसके शराब में नशे की गोली डाली, बेहोशी की हालत में उसका गला दबाया और गला दबा के उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद में कापू के एक जंगल में उसके लाश को फेंक दिया और उनको लगा कि उससे उनकी आइडेंटिटी बाहर आ जाएगी, तो उन्होंने फिर 3 दिन बाद जाकर उस लाश पे मिट्टी तेल डाला, उसको जला दिया। इस सारी सूचना के बाद में SDOP मयंक के नेतृत्व में और थाना प्रभारी मल्लिका के साथ अलग अलग टीम्स बनाई गई। जिन जिन लोगों के नाम इस पूरी घटनाक्रम में शामिल थे उन लोगों की पूछताछ की गई, उन लोगों को जो अप्रहेंड किया गया उनसे जो है वो तस्दीक की गई और पता चला कि इसमें कुल 9 लोग इस पूरी घटनाक्रम में शामिल थे। घटनाक्रम में सिलसिलेवार जसपुर जिले से दीपक वर्मा की रिपोर्ट।